लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भाइयों और बहनों, आज दिए जाने वाले ये पदक न सिर्फ सोने के बने हैं बल्कि त्याग और बलिदान से बने हैं। जिसने रिश्ते और अपनी जान की परवाह न करते हुए कानून का फर्ज निभाया है, पुलिस डिपार्टमेंट का नाम ऊंचा किया है, आज के इस नौजवान अधिकारी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। इंस्पेक्टर रविशंकर, कमिश्नर साहब, सह अधिकारी और मेरे दोस्तों, इस पदक को पाने का हक मुझे नहीं है, ऐसा मेरा मन कहता है। किसी एक की बड़ाई करते समय हम उसमें शामिल दूसरों को भूल जाते हैं, उसके पीछे त्याग और बलिदान को याद नहीं रखते। क्या यह पदक सिर्फ मेरे लिए है? क्या इस सम्मान का केवल मैं हकदार हूं? यदि आप लोग मुझे दीपक की तरह मानते हैं तो इस दीपक में तेल की भांति, बत्ती की भांति मुझे प्रेरणा देने वाला कौन है? वो कौन सी ताकत है? इस बधाई का अधिकारी कौन है? मुझे यहां तक पहुंचाने वाला कौन है? मेरी इस कामयाबी का कारण है मेरी मां सीता लक्ष्मी जी। जब मैं इस पदक को आप लोगों के सामने धारण करने वाला हूं, उस समय मैं अपनी मां के बलिदानों को नहीं भुला सकता। ये पदक मुझे न मिलकर ये पदक उन्हें दिया जाए तो यही सही न्याय होगा। मां, मैं अपने विभाग की ओर से आप लोगों के सामने अपनी मां का स्वागत करता हूं। राम भैया की जय। दोस्तों और मेरे बंधुओं,
आज हमारी हड़ताल का यह पूरा चौथा दिन है, लेकिन अभी तक हमारे मालिकों ने हमारी समस्याओं का कोई हल अभी तक ठीक ठाक सोचा नहीं है। हम उनकी जायदाद या प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांग रहे, केवल अपनी भूख मिटाने का रास्ता प्रॉफिट पर उनका अधिकार है, हम उसे छीनना नहीं चाहते। हम उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहते, क्योंकि यह हमारा हक है, हमें चाहिए, हमें दे दो। अगर वो ये सोचते हैं कि हम लोग भूख से मर जाएंगे तो ऐसा सोचना उनका बिल्कुल गलत है। मजदूर अपने पेट से मजबूर है, लेकिन हम कभी सौदेबाजी नहीं करेंगे। हमने साहब यह है तो मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। राम भैया जय, राम भैया जय, राम भैया जय, राम भैया जय, राम भैया जय। हम लोग तो उनसे कोई लाभ में हिस्सेदारी नहीं मांग रहे। हमारी छोटी छोटी जरूरतें, उनका अंत होना चाहिए, जैसे मकान, शिक्षा, रोटी। जब तक हमारे जीवन में हासिल नहीं हो जाता, हमारे जीवन में नया सवेरा नहीं आएगा। हमें हमारा पूरा हक मिलना चाहिए। हमारे बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और हमारे लिए मुफ्त इलाज का प्रबंध होना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुधरेगा। मेरे दयालु मालिकों, अगर आप मानवता से हमारी बातें सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी मांगे नाजायज नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे शर्तों को नामंजूर करते हैं तो हम झुकने वाले नहीं है, हार मानने वाले नहीं है। हमारी मांगे पूरी होने तक हम पीछे नहीं हटेंगे। हम आपको चेतावनी देते हैं कि अगर आपने हमारी शर्तों को मंजूर नहीं किया तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम आपको चेतावनी देते हैं, अगर आपने हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ किया तो हम ये बात सरकार तक पहुंचाएंगे। हम मिल मालिकों को नहीं छोड़ेंगे, उन्हें कोर्ट तक घसीटेंगे। बिना दम के क्या भाषण दे रहा है, बहुत बढ़िया। अगर मालिक आप हुक्म दे तो मैं उसकी गर्दन दबा दूं। बेवकूफ, अगर इस समय उसे कुछ हुआ तो उसकी मूर्ति लगा देंगे, उसे त्यागी बना देंगे, उसकी पूजा करने लगेंगे। उसे थोड़ा थोड़ा करके मारना है तो उसका क्या किया जाए? बॉस कमीना रिश्वत भी नहीं लेता है। अगर उसे पैसों से प्यार नहीं है तो किसी और चीज से प्यार तो होगा ही। किसी की लड़की कमजोरी होती है, किसी की शराब कमजोरी होती है। राम की क्या कमजोरी है ये मालूम करो। सीता, बच्चे अभी तक स्कूल से नहीं आए? अरे थोड़ी देर हो गई तो क्या हो गया, क्यों घबरा रहे हो? आ जाएंगे। हाँ चलो चलो, चलो, चलो। वो देखो आ गए। अरे अरे आजा 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 आजा। आज तुम्हें स्कूल से आने में देर हो गई हैं? स्कूल से आने में देर हो गई। देखा देखा कैसा मजाक उड़ा रहे मेरा हैं? बदमाश के चलो। आज कपड़े बाद में बदलना, पहले पापा के पास आकर बैठो। अच्छा बेटे ये बताओ तुमने आज क्लास में क्या किया हैं? भैया ने स्कूल में कराटे मार के एक लड़के का हाथ तोड़ दिया। मार मार के हड्डी पसली एक कर दूंगा, क्यों लड़ाई करता है तू? वही पिताजी, क्लास में एक लड़के ने मास्टर जी से बदतमीजी की तो मैंने कहा अरे नहीं नहीं आपको नहीं। पिताजी आज क्लास में सब आप ही के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा बता क्या कह रहे थे? राम भैया है ना? नहीं नहीं मिस्टर राम बहुत अच्छे हैं। माँ मिस्टर राम भैया है ना बहुत अच्छे इंसान है, ऐसा कहा। पिताजी आप बहुत अच्छे हैं। बेटा बेटा रवि मैं अच्छा हूँ या बुरा ये तो मैं नहीं जानता, पर सबके लिए अच्छा करूँ ऐसी मेरी इच्छा जरूर है। बस 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 जाकर हाथ मुंह धोकर आओ, आज मैंने लड्डू बनाया है। लड्डू जय बच्चों, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी लड्डू खाना तो जल्दी करो। देखा सीता, राम के बच्चों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। पता है। अरे बताना भूल ही गई। क्या? रामू आकर ये फाइल देकर गए थे, उन्होंने कहा है कि मजदूरों का आप पर बहुत विश्वास है, सारी आशाएं आप पर है। सीता तुम ठीक कह रही हो, इस आंदोलन का जल्द ही कोई हल निकलवाना होगा। कल हम मालिक के बंगले पर एकजुट होकर धरना देंगे। मालिक 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 मालिक
शांत हो जाइए मालिक, आप सबसे कुछ बात करना चाहते हैं। आप लोग अपनी तरफ से किसी एक को अंदर भेज सकते हैं। राम भैया, आप जाइए। आप जाइए। अच्छा ठीक। नमस्ते सर। आओ राम, बैठो। थैंक यू सर। देखो राम, मैंने सैलरी रिपोर्ट तैयार करवा दी है, देख लो। ये क्या मालिक, आपने हमसे पूछे बिना ही तैयार करवा दी? पहले पढ़ लो फिर साइन करना। आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? आपने हम लोगों की सारी मांगे ठुकरा दी, ये गलत है। ये कौन सा न्याय है मालिक? मेरा जो न्याय है वो आखिरी पन्ने पर लिखा है। तुमने अभी सिर्फ दो पन्ने ही देखे हैं। आखिरी पन्ना देखते ही तुम मेरी तरफ हो जाओगे। हाँ देखो। ये क्या है मालिक? राम, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, आराम से काम करता हूँ, पर किसी ने रास्ता काटा, एक्सक्यूज मी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। परिवार वालों को सोच समझ कर चलना चाहिए, समझे? मेरे बीवी और बच्चे कहाँ पर हैं? वो जहाँ भी हैं, बिल्कुल सही सलामत हैं। मालिक, आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, शायद ये आप जानते नहीं। हाँ तो गलती करने से रोक दो, सब तुम्हारे हाथ में है। ये लो, एक साइन कर दो, तुम्हारे बीवी और बच्चे तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। साइन नहीं किया तो फोटो फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मालिक, आप मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हें क्यों धमकी दूंगा? बाय द वे, इसे पहचानते हो? नाम है मदन गोपाल, गांव में रहा कुछ साल, जेल में रहा बहुत साल। सिर्फ दो ही खून किए हैं, एक बहुत सुंदर सी लड़की का, समझे? प्रकाश, प्रकाश, मुझे मेरा परिवार चाहिए, कुछ भी करके लौटा दो। मुझे साइन चाहिए। आप लोग शांत हो जाइए, मैंने साइन कर दिया। राम की जय। भैया राम की जय। भैया राम की जय। मुझे माफ करना भाइयों, मालिक की शर्तों को मानकर मैं दस्तखत कर दिया है। राम भैया, ये क्या किया आपने? मुझे कुछ पता नहीं, ना ही कुछ बता पाऊंगा। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक कुछ नहीं कर पाया, मैंने रास्ता नहीं दिखाया। मैंने उन लोगों से कहा कि आप लोगों की वजह से कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप लोग काम नहीं रोकेंगे, ऐसा लिख दिया है। मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, आप लोग मुझे माफ कर दो। तुम धोखेबाज हो, इसने हम लोगों के साथ गद्दारी की है। इसने गद्दारी की है, मारो इसे, छोड़ो इसे, मारो, मारो, ये धोखेबाज है, इसने गद्दारी की है, मारो इसे, छोड़ ना, मारो इसे, मारो, मारो।
अगर किसी को बताया कि तुम्हें किडनैप किया है तो तुम सबको जान से मार दूंगा। चलो बेटा। इन बच्चों को किसी ने पैसे देकर उकसाया है। ये नारे लगवाना, मजाक उड़ाना कुछ दिनों में बंद हो जाएगा जी। आपको जरूर सब लोग माफ कर देंगे। आपकी खोई मान मर्यादा आपको जरूर वापस मिल जाएगी जी। सुनिए जी, मैं जाकर आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ, ठीक है? देख रहे हो, चोर की बीवी चोरी करने जा रही है। राम ने हम लोगों के पेट पर लात मारी है, हम लोग राम को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ हम लोग के साथ गद्दारी करने वाला उसका पूरा खानदान ही चोर है, गद्दार कहीं के। चू, चू। अबे सुन, हा? मेरी बीबी को पता नहीं है कि कहीं मेरा चक्कर है। अब तू जल्दी से मेरी चमेली का नाम गोद दे। हाथ पे नाम गोदने से तेरी बीबी को पता चल जाएगा तो तुझे बहुत मारेगी, मरने तक भी ये नहीं मिटेगा। ऐसी बात है क्या? तो फिर कहाँ गुदवाऊं? वो देखो राम का बेटा आ रहा है। ए हाफ टिकट, तेरा नाम क्या है? बता बे उल्लू। मैं बताता हूँ, ये राम का बेटा है। ओहो, राम का बेटा? तुम्हारा बाप करता क्या बेटा? मजदूर लीडर है। लीडर नहीं, रॉबर। रॉबर का बेटा। ओहो, बेटे को बाप का काम नहीं मालूम। हाथ पर गोद दो। बचपन में इतनी तेजी ठीक नहीं है बेटा। पकड़ो इसको, पकड़ो। मेरा बाप चोर है, ऐसा के हाथ में गोद दे। रहने दीजिए ना। गोद पे। गोता गोता। चोर के बेटे के नाम से मरने तक याद रखेगा। देख। राजा, ये क्या हुआ बेटा? किसने तुझे मारा? राजा, राजा, हे भगवान, बच्चों को भी परेशान करने लगे, उन्हें भगाने वाला गांव, हमें भी ना जीने दे, हम ये गांव छोड़कर चले जाएंगे, हाँ, चले जाएंगे, इस गांव से चले जाएंगे, इस गांव से बहुत दूर चले जाएंगे। माँ, क्या है बेटा? अब हम कहाँ रहेंगे? हम क्या खाएंगे? फिकर मत करो, मैं कुछ भी करके तुम्हें पालूंगी। आ,
अगर भार ज्यादा है तो थोड़ा कम कर दे। आ? दो बच्चों की माँ हो फिर भी जवान लगती हो। वाह। राजा, राजा, क्या है माँ? तेरा भाई यहाँ था, कहाँ है वो? यही तो था, बाहर देखता हूँ। माँ, वो देखो रवि। क्यों रो रही हो? रवि पढ़ना चाहता है। मैं जो कमाती हूँ उसमें गुजारा ही मुश्किल से हो रहा है, मैं उसे कैसे पढ़ा पाऊंगी? हे माँ, अगर हम दोनों मिलकर कमाएं तो रवि को पढ़ा सकते हैं ना? हाँ माँ, मैं कुछ भी करूँगा, अपने भाई को जरूर पढ़ाऊंगा और बड़ा आदमी बनाऊंगा। राजा, राजा। सर, आज का रेट कैसा है? फर्स्ट रेस में राइजन, सेकंड रेस में अल्ला बुल्ला, थर्ड रेस में थ्री विसेस। माइकल, छठे में कौन आएगा? बिलिया मीरानी। नो, वो लॉन्ग डिस्टेंस नहीं कर पाते। जरूर बी ही आएगा, उसे कोई नहीं हरा सकता। पॉलिश हो गया साहब। माइकल, पैसे दो। साहब, मैंने पॉलिश की है, भीख नहीं मांगी, पैसे उठाकर हाथ में दीजिए। उसने क्या कहा सुना आपने? उसने जो कहा कर दो। क्या? पैसे उठाके हाथ में दे दो। लो। माइकल, मेरी बात अच्छी तरह नोट कर लो। ये लड़का लंबी रेस का घोड़ा है। शुरुआत में आराम से मांगना, काम के प्रति लगन और पैसे फेंकने पर उसका एम्बिशन, ये एम्बिशन इसे ऊपर उठाएगा। एक ना एक दिन ये बड़ा आदमी बनेगा। एक दिन ये लड़का अपना नाम जरूर रोशन करेगा, सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स। रवि, जाकर बैठ जाओ। थैंक यू टीचर। ए, अंधी हो गई है क्या जो इस तरह पटक रही है? चल उठा। मुझे भूल हो गई। क्या भूल हो गई है? अगर तेरे से ये काम नहीं होता तो जा यहाँ से और दूसरा धंधा कर ले। मुंशी जी, थोड़ी तो मर्यादा रखिए। कौन सी मर्यादा? किस मर्यादा की बात कर रही है? पहले हाथ जोड़कर काम मांगती हो और जब काम मिल जाता है काम से जी चुराने लगती हो। बोल, बोलती क्यों नहीं है? मुंशी जी, मुझ पर दया कीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? मुझ पर रहम करो, मेरे सिवा उनका इस दुनिया में कोई नहीं। ए, मैंने बहुत देखे ऐसे बच्चे, भिखारी बच्चे। चल भाग यहाँ से। चल
चल उठ और इस पिल्ले को यहाँ से लेके जा चल। कल मुझे और कोई काम मिलेगा तो क्या वो लोग मुझे सर पर बिठाएंगे? तेरे पत्थर मारने से कुछ नहीं होगा, जो हमारे नसीब में है वही होगा। मुझे देख, मैं सब सह लेती हूँ। अब ऐसे क्या देख रहा है? ये देख, रवि भी तो तेरा भाई है, मगर कितना शांत और सहनशील है ये, मगर तुम दोनों में कितना अंतर है। अंतर है माँ, सबसे बड़ा अंतर ये है, ये देखो। माँ, मैं मंदिर में नहीं आऊंगा। क्यों रे? मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए। राजा, अगर तू नहीं आएगा तो मैं तुझसे बात भी नहीं करूंगी और खाना भी नहीं दूंगी। चल मेरे साथ चुपचाप, चलता है कि नहीं? सीता बहन, बच्चे को मत डांटो, जबरदस्ती भक्ति नहीं कराई जाती। जब उसको समझ आ जाएगी तो अपने आप ही मंदिर आएगा, आप दर्शन कर ले। रोज मंदिर आती हैं, भगवान से क्या मांगती हैं? तुम्हारे लिए अच्छी सी नौकरी, तुम्हारे भाई के लिए सुख और शांति, मैं और क्या मांगूंगी। आप जो रोज मांग रही हैं, क्या भगवान सुनते हैं? आपके साथ मैं भी प्रार्थना करता हूँ, लेकिन भगवान ने आज तक मुझे कोई नौकरी नहीं दिलाई। शायद तुम्हारे लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढ रहे हैं वो। माँ, कल भगवान से कहना कि चाहे छोटी सी नौकरी हो, 200-300 की, मेरा बेटा मान जाएगा। क्यों बेटा, क्या तुम भी भगवान से नाराज हो गए हो क्या? मुझे भैया की तरह भगवान से विरोध नहीं है। रवि, तुम्हारी जैसी भक्ति तेरे भाई को कब आ जाएगी? माँ, चाहे भगवान के प्रति भक्ति न रखते हो, लेकिन जानती हो आपसे कितना प्यार करते हैं। माँ वो मंदिर में नहीं आते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर आपका इंतजार करते हैं।
शायद ये मेरी किस्मत ही है कि आज फिर इस बिल्ले ने मेरी जान बचाई। यह नंबर मेरे लिए बहुत खास है। किसी ने मुझसे सच ही कहा था कि इस नंबर में बहुत ताकत है। इसे हमेशा अपने साथ रखना, कभी अपने से दूर मत करना। राजा इधर बैठो, ये कुर्सी अब तुम्हारी है। राजा मेरी भी उम्र हो गई है, मुझे अब रेस्ट चाहिए। और वैसे भी काम तो सिर्फ तुम करते हो, मैं तो बैठा रहता हूँ। इस पे अब तुम्हारा हक है। बहुत बहुत बधाई हो राजा, बधाई हो। माइकल इधर आओ। माइकल, कुछ साल पहले तुमने एक लड़के से बूट पॉलिश करवाई थी, वो दिन याद है तुम्हें माइकल? हाँ याद है, लेकिन इतने दिनों बाद ये बात क्यों कर रहे हैं आप? तब मैंने तुमसे कहा था ये बड़ा आदमी बनेगा। देखो माइकल, ये वही लड़का है जो बड़ा आदमी बन गया, समझ गए? ये है राजा। मिस्टर रवि, आपका फोन। थैंक यू। हेलो। हेलो रवि, हाउ आर यू? हाय राधा। स्वीटी पाई, स्वीटी पाई। मैं अच्छा हूँ। एक हफ्ते में ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा और मैं आ जाऊंगा। ए राधा, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। अगर मैं वहां आया तो तुम्हें अपनी बाहों में लेकर खूब घुमाऊंगा। ए राधा, क्या तुम मेरे लिए यहाँ नहीं आ सकती? नहीं रवि, तुम आ जाओ। अब एक ही हफ्ता तो बचा है। एक हफ्ता नहीं, जरा तुम अपने पीछे मुड़कर तो देखो। हाँ? जिंदगी ख्वाबों में भी तू है बसी, तुझसे ही मुझको हुआ इश्क 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 इश्क। झूठे सनम वादे तेरे, फिर भी है तू जान मेरे, मुझको भी तुझसे हुआ इश्क 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 इश्क। तू ही मेरी है जिंदगी, ख्वाबों में भी तू है बसी, तुझसे ही मुझको हुआ इश्क 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 इश्क। झूठे सनम वादे तेरे, फिर भी है तू जान मेरे, मुझको भी तुझसे हुआ इश्क 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 इश्क। बेताब दिल की कैसे बताऊं, कैसी है बेबसी मेरी मोहब्बत, सच्ची है जानम, कर ले मेरा यकीन। तुझसे मिले दिन है सोना, रात है खोई, फीकी है जिंदगी। झूठे सनम वादे
तेरे फिर भी है तो जान मेरे कुछ कभी तुझसे हुआ इश्क 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 तू ही मेरी है जिंदगी ख्वाबों में भी तू है बसी तुझसे ही मुझको हुआ इश्क 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 जन्म जन्म का सुन मेरे साथिया अपने सपने सब सच होंगे बरसेंगी खुशियाँ तू ही मेरी है जिंदगी ख्वाबों में भी तू है बसी तुझसे ही मुझको हुआ इश्क 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 छोटे सनम बात तेरे फिर भी है तू जान मेरे कभी तुझसे हुआ इश्क 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 इंस्पेक्टर रविशंकर अरे रवि तू है हाँ माँ तेरा बेटा आजा आजा अंदर आजा अरे आने से पहले खत तो डाल देता मैं सोची कोई असली पुलिस वाला है क्या मतलब मैं असली नहीं हूँ क्या अरे वाह किसी ने सची कहा है कि घर की मुर्गी दाल बराबर माँ भैया मुझे जब इस वर्दी में देखेंगे तो देखना उनका सीना कैसे चौड़ा हो जाता है वैसे माँ भैया है कहाँ वो घर पर कहाँ रहता है कोई नया बिजनेस शुरू किया है उसने उसी के चक्कर में ही दिन रात घूमता रहता है वो बेटा पैसा कमाने में आदमी इतना मगन हो जाता है क्या हिसाब से कमाओगे तो चैन रहेगा ज्यादा कमाने के चक्कर में रहोगे तो चैन नहीं रहेगा लगता है भैया आ गए कैसे हो भैया मैं ठीक हूँ तू कब आया रवि बस अम्मा जल्दी खाना लगाओ सुना तुम घर में ठीक से रहते नहीं हो खाते नहीं हो पीते नहीं हो क्यों इससे माँ को कितना दुख और तकलीफ होता होगा पता है तुम्हें सोचा है कभी तुमने माँ बाहर जो गाड़ी खड़ी है वो क्या नई गाड़ी है कितने की है 6 लाख 6 लाख इतना पैसा तुम्हारे पास आया कहाँ से रवि पैसा कहाँ से आया इसके बारे में बाद में बात करेंगे तू बहुत थक गया होगा ट्रेनिंग करके तू ये सब अपनी पूछताछ बाद में करना चल जल्दी से कपड़े चेंज कर ले माँ मुझे बहुत भूख लगी है माँ जल्दी से खाना निकालो भैया आज हम लोग साथ बैठ कर खाना खाएंगे ठीक है ओके गुड वर्दी में ही पुलिस ऑफिसर है लेकिन इसकी हरकतें बच्चों जैसी है अच्छा बेटा तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ बचपन से लेकर आज तक मैंने माँ को मुश्किलों में ही देखा है आज किस्मत का खेल देखो रवि इंस्पेक्टर और मैं स्मगलर आपका दुख मैं समझ सकती हूँ राजा जिस दिन रवि को मेरे बारे में पता चलेगा फिर वो मुझसे बहुत नफरत करने लगेगा जब ये सोचता हूँ तो डर सा जाता हूँ अनिता ए, क्या सोच रही हो आपने मुझे सब कुछ दिया घर गाड़ी और आज अपनी कहानी बताकर खुद को भी राजा अब मैं बाकी की सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ
जहाज से हमारा सोना आ रहा है, तुम जाकर के उसे ले आओ। मेरी नई कार लेकर के जाना, उसका नंबर कोई नहीं जानता। वहां मैं मोटरसाइकिल से जाऊंगा। मोटरसाइकिल? यस। Trying to smuggling gold. किसने कहा ये सोना है? ये तो सोने के बिस्किट हैं। Stop, stop, stop. इस गाड़ी में क्या है? पेट्रोल है। पीछे दोनों डिक्की में क्या है? इधर सोने के 50 बिस्किट हैं और इधर भी सोने के 50 बिस्किट हैं। ये लो चाबी, चेक कर लो। अरे क्या मजाक कर रहे हैं साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब आप जाइए। थैंक यू। हेलो, क्या बात कर रहे हो? उस नंबर की गाड़ी अभी निकली यहां से। इंस्पेक्टर रविशंकर। क्या? असिस्टेंट कलेक्टर। क्या क्या? सोने का स्मगलिंग? कब, कहां, कौन सी गाड़ी थी? होंडा मोटरसाइकिल, नंबर TMS 4143। उसका कलर? मैरून कलर। ओके, मैं सभी चेकपोस्ट को इन्फॉर्म करता हूं। हेलो, चेंगलपट्टा चेकपोस्ट। यस सर, इंस्पेक्टर डगला स्पीकिंग। इंस्पेक्टर रविशंकर बोल रहा हूं। होंडा मोटरसाइकिल TMX 4143, मैरून कलर, फॉरन ब्लॉक कीजिए। राइट सर। हेलो, पूना मेलल चेक पोस्ट, इंस्पेक्टर रविशंकर बोल रहा हूँ। एक होंडा मोटरसाइकिल TMX 4143, मैरून कलर, एक आदमी सोना स्मगल कर रहा है, उसे फॉरन अरेस्ट करो। ओके। मिस्टर, गाड़ी में क्या है? हाँ, पेट्रोल है। हाँ, जोक मार रहा है। साइड बॉक्स में क्या है? 50 लाख के सोने के बिस्किट हैं। हाँ, फिर से जोक मार रहा है। बॉक्स खोल, मैं आती हूँ अभी। हेलो, इंस्पेक्टर रविशंकर बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर रविशंकर, मैं सब इंस्पेक्टर मोहाना बोल रही हूँ सर। आपकी आवाज़ सुने कितने दिन हो गए सर। कैसे हैं सर आप? सर मेरा ट्रांसफ़र करा दीजिए सर। सर सर प्लीज़, आप ही मेरा ट्रांसफ़र करा सकते हैं। प्लीज़ सर, मेरा ट्रांसफ़र करा दीजिए। हाँ सर, क्या कहा आपने? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है सर, ज़ोर से बोलिए। ओफो, मैरून होंडा मोटरसाइकिल TMX 4143, उस पर एक आदमी सोना स्मगल कर रहा है, उसे फ़ौरन अरेस्ट करो। क्या कहा सर आपने? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ए, तू चुप कर, आवाज बंद कर। क्या कहा सर आपने? कुछ सुनाई नहीं दे रहा सर। एक सेकंड होल्ड कीजिए। मोटर बाइक बंद क्यों नहीं कर रहे? गाड़ी बंद किया तो स्टार्ट नहीं होगा। व्हाट, क्या बकते हो? स्टार्ट नहीं होगा। हाँ हाँ सर, हाँ तुझे क्या प्रॉब्लम है? जाने दो इसे, चल दफा हो जाए यहाँ से। जाने कहाँ से आ जाते हैं, बाइक क्या मिल गई? अपने आप को जाने क्या समझने लगते हैं, हाँ इडियट। सर क्या कह रहे थे आप, अब बताइए ना। हाँ हाँ, मोटर बाइक 7MX 4143। हाँ सर, वो तो निकल गया, वो तो भाग गया सर। सर सस्पेंड सर। मिस्टर रवि, आपको ये केस सौंपने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। सर, पुलिस डिपार्टमेंट में संदिग्ध कौन कौन है, उनकी लिस्ट? सारी डिटेल इस फाइल में है। ये जगदीश, शहर के एक बड़े होटल से इसका बिजनेस चल रहा है, उस होटल का यही मालिक है। कई साल पहले स्मगलिंग के केस में जेल गया था ये। आज ये स्मगलर
एक बड़ा बिजनेसमैन है। ये स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा गैंग चलाता है। He is top of the list। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। ये और जगदीश एक पार्टनर हैं। 6 महीने पहले एक गरीब हार्बर कुली था। समाज के पिछले दर्जे पर रहने वाला आज बड़ा आदमी है। कार, बंगला, गैराज, आज सब कुछ है इसके पास। ये और जगदीश आपस में पार्टनर हैं। एक्सक्यूज मी सर, उस कुली का नाम? यू मीन दिस कुली, दिस गैराज ओनर? नाम है राजशेखर, लेकिन सब इसे राजा कहते हैं। इसमें बाकियों की डिटेल्स हैं, लेकिन अगर हमने इन दोनों को पकड़ लिया तो बाकियों को पकड़ना भी आसान हो जाएगा। मैं ये तुम्हें सौंप रहा हूं। रवि, आई से रवि, व्हाट हैपेंड टू यू? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। तुम क्या कह रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा। सर, आपने जगदीश का पार्टनर जिसे कहा राजशेखर, यस, हम दोनों अपनी मां की आंखों के तारे हैं। व्हाट? यस सर, वो मेरा बड़ा भाई है, अपना खून है। रवि, तुमने मुझे सच्चाई बताई, इसके लिए मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। बट स्टिल, मैं इस केस को तुम्हें सौंपना चाहता हूं। सर, यस रवि, मैंने कुत्ता पाला, वो मुझे जान से भी प्यारा था। एक दिन जब मैं राउंड पर गया तो एक गुंडा मुझे जान से मारने के लिए आया। जान से मारने की कोशिश की तो उस कुत्ते ने उसे काट लिया। फिर एक दिन मैं भंवर में फंस गया तो उसी ने मेरी जान बचाई। मेरी जान बचाने वाला वो कुत्ता पागल हो गया, उसने कई लोगों को काट लिया, जिससे 2 लोगों की मौत भी हो गई। वो कुत्ता मुझे जान से प्यारा था क्योंकि मैंने उसे बचपन से पाला था। उसे कई जगह ले गया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, लेकिन कहीं भी उसका इलाज नहीं हो पाया। मेरी जान बचाने वाले उस प्यारे कुत्ते को, जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, अपने इन्हीं हाथों से मार डाला। मैंने तुम्हें यह बात इसलिए बताई कि हमें अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो अपना हो या पराया। तुमने मेरी बात सुनी, तुम एक निष्ठावान ईमानदार ऑफिसर हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, जाओ। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर पकड़ो पकड़ो, चोर 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 पकड़ो पकड़ो, चोर। गोली मार दूंगा। रुकता है कि नहीं? रुक जा। रास्कल, इस उम्र में चोरी करता है? क्या चुरा है? पेट के लिए रोटी? बेटा, तेरा नाम क्या है? आप कौन है बेटा? मैं यहाँ का, आपके इस इलाके का नया पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। तो हम क्या करें? यहाँ क्या लेने आए हो? चले जाओ यहाँ से। ये तुम्हारा खाना हमें नहीं चाहिए, ले जाओ तुम्हारी ये भीख हमें नहीं चाहिए। क्या कर रही हो? क्या किया था मेरे मासूम बच्चे ने? सिर्फ एक रोटी तो चुराई थी ना उसने हमारे लिए, उसमें उसका क्या दोष है? बड़े थानेदार बनते हो, बहुत इंसाफ करते हो। अरे क्या बस भूखे नंगों को गोली मारने का इंसाफ है तुम्हारा? क्या किया था मेरे बच्चे ने जो तुमने गोली मारी? क्या किया था मेरे बच्चे ने? अपने भूखे माँ बाप के लिए रोटी चुराई, यही ना? अरे बड़े कानून वाले हो तो जाओ उन्हें गोली मारो जिन्होंने अपने गोदाम में अनाज भर कर रखा है, जाकर उन्हें गोली मारो जो काला धंधा करते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम जैसे लोग तो हमें ही तंग करेंगे। बताओ अगर मेरे बेटे की जगह तुम होते तो तुम क्या करते? लक्ष्मी, तुम अंदर चलो। मुझे मत रोको, मुझे बोलने दो, उसके बाद बोलने के लिए है क्या? निकल जाओ अंदर, चलो बेटा चलो। बेटा, लक्ष्मी की बातों का बुरा मत मानना बेटा, सुन रहा है ना बेटा? पेट में जब भूख लगती है ना तो बड़े से बड़े जुर्म करने में भी इंसान को जरा भी डर नहीं लगता,
आज गरीबी ही मेरी मजबूरी है, आज मैं कमाने के लायक नहीं हूँ, तभी ये दिन देखने पड़ रहे हैं। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है, बताओ बेटा, बताओ। बेटा, मेरी पत्नी ने जो कुछ भी कहा उसकी बातों का अपने दिल पे जरा भी मत लेना बेटा। एक बात पूछो बेटा। सर, पूछ सकते हैं। जीवन के किसी भी मोड़ पर अपने फर्ज के साथ कभी भी गद्दारी मत करना, तभी समाज में सर उठा के चल सकोगे बेटा। आज आपकी इन बातों ने मुझे मेरे कर्तव्य के प्रति और भी मजबूत बना दिया है। अच्छा, आज्ञा दीजिए। यस रवि। सर, इस केस को मैं हैंडल करूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल द बेस्ट। मुबारक हो मिस्टर राजा, आज से यह बिल्डिंग आपकी है। थैंक यू सर। ओके सर, चलता हूँ। मिस्टर राजा, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। आपने ये बिल्डिंग महंगी खरीदी है। आपने थोड़ा मोलभाव किया होता तो ये बिल्डिंग 5 लाख कम में बेचती होती। आपको बिजनेस करना नहीं आता। नहीं मिस्टर वासन, व्यापार करना आपको नहीं आता। अगर आप इस बिल्डिंग के 2-4 लाख रुपए और ज्यादा मांगते वो भी दे देता। आई सी, ऐसा क्या है इस बिल्डिंग में? इस बिल्डिंग से मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। इस बिल्डिंग में मेरी माँ ने खून पसीना बहाकर मेहनत की है, और मेरी माँ का पसीना इतना सस्ता नहीं हो सकता। और वही बिल्डिंग आज मैं अपनी माँ को तोहफे में देने जा रहा हूँ। माँ, क्या हुआ, सब ठीक तो है? क्या हुआ रवि? भैया, आज मुझे आपसे जरूरी बातें करनी है। आज हमारे डिपार्टमेंट से एक लिस्ट दी गई है, उसमें बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के सारे स्मगलर्स के नाम लिखे हुए हैं। उस लिस्ट में तुम्हारा भी नाम है। तुम कहना क्या चाहते हो, मैं सुन रहा हूं, साफ साफ बोलो। तुम्हारा एक काम बाकी है, तुम्हें इस पे साइन करना होगा। कैसा पेपर है ये? तुम्हारे आत्मसमर्पण की चिट्ठी, सेल्फ कन्फेशन एंड बिकमिंग अप्रूव। इस चिट्ठी में लिखा है कि मैं अपने गुनाह कबूल करता हूँ, सारा पैसा सरकार के हवाले कर रहा हूँ, और अपने सारे साथियों के बारे में सूचना दूंगा। भैया, मैं चाहता हूँ कि आप इस पे साइन करें। रवि, तुम जानते हो बचपन में हमने कैसे लाचारी में दिन गुजारे, सड़कों पर सोए हैं। तुम साइन करते हो या नहीं? चंद पैसों के लिए माने जगह जगह जाकर मजदूरियां की, लोगों के झूठे बर्तन तक मांजे। साइन करोगे कि नहीं? क्या तुम्हें याद है वो फुटपाथ के दिन, वो माँ की फटी हुई साड़ियाँ? साइन करोगे कि नहीं? हाँ, करूंगा। और उससे पहले उन सबको गिरफ्तार कर जिनकी वजह से मुजरिम बन के आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। उनका भी साइन लेकर आ जिसने हमारे बाप पे झूठा इल्जाम लगाया। और क्या सुनना चाहेगा तू? उस आदमी का भी साइन लेकर आ जिसने मेरी माँ के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। और कितने नाम बताऊँ तुझे? जाओ, उस आदमी का साइन लेकर आ जिसने मेरे हाथ में ये लिख दिया, मेरा बाप चोर है। उसके बाद जहां तू कहेगा वहां साइन कर दूंगा। लेकिन तेरा ये कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंस्पेक्टर, मैं न्याय के रास्ते पे हूं, अन्याय के नहीं, समझे? अपनी गलती पर पर्दा मत डालो। किसी ने तुम्हारा घर जलाया तो उसके बदले में पूरे शहर को जलाकर तुम कौन सा न्याय कर रहे हो? वर्दी पहनकर तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा वो कानून कल कहां था? तुम न्याय नहीं कर रहे हो, बिल्कुल नहीं कर रहे हो। न्याय और अन्याय का मतलब तुम क्या जानो? उसे ये नाम मत दो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। माँ, चलो यहाँ से। माँ कहीं नहीं जाएगी, माँ मेरे साथ यहीं रहेगी। माँ मेरे साथ जाएगी, मैंने कहा ना, माँ कहीं नहीं जाएगी। माँ जरूर जाएगी। माँ तुम नहीं जाओगी। माँ तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है माँ,
माँ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं जा रही हूँ। माँ तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तेरे बाप से साइन करवाने वाला तुझ में और उसमें क्या फर्क है? मुझे नौकरी से निकालने वाले से तेरा क्या रिश्ता? बचपन में हाथ पर मेरे देवता को चोर कह के गोदने वाले आदमी से तेरा कोई रिश्ता है? नहीं ना। लेकिन तू मेरा बेटा है, मेरा खून है। अगर मेरे हाथ पर मैं चोर की माँ हूँ ऐसा कोई गोद दे तो क्या मैं तुझे भूल जाऊंगी क्या बेटा? लोगों ने मुझे घर से निकाला पर तू तो मुझे सड़क पर ले आया। माँ तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ माँ ये गाड़ी, ये बंगला, ये नौकर चाकर सब तेरे लिए तो क्या मैंने। माँ तू ऐसे नहीं जा सकती। माँ यहाँ से नहीं जाएगी। माँ तू बेटा तू तो बड़ा आदमी बन गया है, बहुत पैसे वाला हो गया है, पर तू कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो माँ को नहीं खरीद सकता। चाहती हूँ ये बिल्डिंग बनाते समय मेरी माँ ने यहाँ मजदूरी की थी। इस बिल्डिंग को आज मैं अपनी माँ को तोहफे में देने जा रहा हूँ। लेकिन आज ये बिल्डिंग के पेपर मेरे लिए बिल्कुल कागज की रद्दी के बराबर है। मेक मी अ ड्रिंक। श्योर। तुम साड़ी भी पहनती हो नीता? ये साड़ी मेरी माँ ने दी थी। वो चाहती थी कि इस लाल जोड़े में वो मुझे पूरे सिंगार के साथ देखे, पर क्या कर सकती थी, उनका सपना सपना ही रह गया। ख्वाब तो सागर जैसे होते हैं पर किनारे पर आकर सब टूट जाते हैं। माँ टुडे इज अ वंडरफुल डे, रियली अ फैंटास्टिक डे फॉर मी। मुझे पालने में आपने जो तकलीफ उठाई है माँ, जो काम आज मैंने किया है वो सुनकर आप बहुत ही खुश होंगी। माँ माँ आगे बेटे, हाथ मुंह धो लो, मैं चाय लाती हूँ। माँ तुम भैया से मिलना चाहो या उसके साथ रहना चाहो तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। आप कहो तो मैं खुद ही छोड़ के आऊंगा। नहीं बेटा, मैं तेरे साथ रहूंगी, बस माँ की ममता उस पर कुछ थोड़ी सी ज्यादा ही है। बात यह है कि तू आगे बढ़ी ये सोचकर उसने पांव पकड़ पकड़ कर उसने बूट पॉलिश भी किया है। माँ मैं भूल गया ये सोच रही हो? तू भूला ये नहीं कह रही हूँ, वो ये ना सोचे कि मैं भूल गई हूँ। जो जन्म देती है वही तो उसकी चिंता करती है, एक दिन ये बात जरूर समझ जाएगा वो। पता नहीं वक्त कैसा चल रहा है। अच्छा ये बता तेरा क्या चल रहा है? एक्सीडेंट माँ, छोटी गैंग पकड़ी गई है, जल्दी बड़ी गैंग को पकड़ लूंगा, फिर इस ग्रुप की ऐसी की तैसी। माँ अब तुम देखना वो दिन दूर नहीं। कहाँ जा रही हो माँ? कुछ काम याद आ गया, मैं अभी आती हूँ। रवि रवि रवि, आई एम सीक्रेट द फॉलो। ये इंस्पेक्टर रवि जिसे कुछ महीने हुए हैं पुलिस में आए हुए, ये इंस्पेक्टर रवि हमारे कुछ आदमियों को पकड़ लिया है और हमारा लाखों का माल जब्त कर लिया है। नया नया इंस्पेक्टर आया अभी है, हमारे काम में हार जीत लगी रहती है मिस्टर जगदीश। दुश्मनों के साथ हारना मुझे मंजूर है पर पुलिस से हारना मुझे कभी मंजूर नहीं, कभी नहीं, समझे? आप परेशान मत होइए, जो हमारी परेशानी बन गया है हम उसे खत्म कर देंगे। रवि। डोंट बी सिली माइकल, तुम रवि को मार के महाराष्ट्र की पूरी पुलिस अपने पीछे लगाओगे क्या? पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी,
आने वाला इंस्पेक्टर कितना इंटेलिजेंट है इसकी क्या गारंटी है। तुम ठीक कह रहे हो माइकल, इसीलिए तो कह रहा हूँ रवि को खत्म कर दो। शट अप यू, तुम्हारी सलाह किसी को नहीं चाहिए। रिलैक्स राजा, रिलैक्स। माइकल ठीक कह रहा है राजा। क्या ठीक है, सब बकवास है। अगर पुलिस वाले को मारेंगे ना तो पुलिस वाले भी हमें दौड़ा कर कुत्तों की तरह काट काट कर खत्म कर देंगे, समझे तुम लोग? माइंड इट। यानी हम सब पर खतरा, रवि को मारने से हमारे पास और कोई कारण नहीं है क्या? बोलो राजा, इस तरह मेरा मुंह क्या देख रहे हो? क्यों माइकल, बात में मिर्ची लगी है ना? मिर्ची मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये बैठे बैठे राजा ही मिर्ची लगा रहा है। राजा को बताने दीजिए, कम ऑन राजा, कम ऑन। हम रवि को नहीं मार सकते क्योंकि रवि राजा का भाई है। यस, रवि, इंस्पेक्टर रवि मेरा भाई है। अच्छा, ओहो, इंस्पेक्टर रवि तुम्हारा भाई है। यू बास्टर्ड, अगर रवि के बारे में एक शब्द भी बोला तो मैं तुझे यहीं जान से मार दूंगा। इस जगह मैंने क्यों बुलाया तुम्हें पता है तुम्हें? मुझे आने में देर तो नहीं हुई? थोड़ी देर कर तो रहे हो, पर तुम्हारा इंतजार करने में मुझे कोई परेशानी नहीं। तुम मेरे घर भी आ सकते थे मुझसे मिलने। मेरे घर आने की तुम्हारी हैसियत नहीं, और तुम्हारे घर आऊं ये मुझे गवारा नहीं, इसलिए तुमने मुझे यहां मिलने के लिए बुलाया। राइट। तुम जानते हो रवि ये कौन सी जगह है? ये जगह वही है जहां से हम दोनों ने एक साथ, रवि हमने अपना बचपन यहां पर साथ साथ बिताया और तुम वहां बैठकर रात रात भर पढ़ते थे, और हमारी बिचारी दुखियारी माँ हमारे सुनहरे भविष्य के लिए रोज भगवान से दुआ करती थी। एनीवे, मैं जानना चाहता हूं मुझसे यहां मिलने और मुझे सुनने मेरा छोटा भाई रवि आया है या एक पुलिस इंस्पेक्टर, पहले मुझे ये बताओ। भाई बनकर कहोगे तो भाई सुनेगा, चोर बने तो पुलिस इंस्पेक्टर रवि सुनेगा। इडियट, ये तेरा भाई है जो तुझसे बात कर रहा है, तुझे नहीं पता वो लोग कितने खतरनाक हैं? वो तुझे मारने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। मेरी बात मान, तू यहां से अपने तबादला करा के चला जा। सो, अब ये चोर बात कर रहा है? तू नहीं जानता रवि, तेरी जान को बहुत खतरा है। और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे रास्ते पर खतरे और निराशा के अलावा कुछ नहीं। ब्लडी फूल, मेरी बात कुछ और है। मैं उन लोगों को संभाल सकता हूँ लेकिन तू नहीं संभाल सकता। इस देश में और भी तो बहुत सारे पुलिस स्टेशन हैं। तू माँ को लेकर कहीं भी चला जा। ये कभी नहीं कर सकता मैं, ये गलत होगा, मैं अपनी ड्यूटी कभी नहीं। डैम यू ड्यूटी क्या देती है सरकार तुम्हें बताओ मुझे? जब एक पुलिस वाला सड़क पे कुत्ते की मौत मरता है तो उसे उठाने के लिए म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी तक नहीं आती, और क्या देती है सरकार तुम्हें ड्यूटी के नाम पर? एक सरकारी क्वार्टर, एक पुलिस की जीप और एक सरकारी वर्दी। फेयर इनफ। इधर देख, लुक एट मी। आज तू अपने आप को देख, तू कहां खड़ा है, और मुझे देख मैं कहां पहुंच गया हूं। आज मेरे पास क्या नहीं है इस शहर में? बिल्डिंग है, बैंक बैलेंस है, और ये सारा इलाका। तुम्हारे पास क्या है? क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। बाबा आखिरी स्टेशन आ गया, उतरो। बाबा। लावारिस लाश? हाँ सर, एक बॉडी कंपार्टमेंट में मिली है। कौन है कुछ पता नहीं चल रहा है सर, उसके साथ कोई नहीं था सर। अच्छा, उनके पास से कोई सामान वामान नहीं मिला था? ये पोटली मिली है सर, दो कमीज और दो धोती है, और इसके अंदर ये ग्रुप फोटो थी सर। ये फोटो उसके परिवार का लगता है सर। ये अनाथ नहीं है,
अनाथ नहीं है ये। आओ रवि, आज शुक्रवार है ना, इसलिए घर धोया। हाँ, आज उनका जन्मदिन है। गरीबों में खाना बांटने से शायद वो जल्दी वापस आ जाएंगे, ऐसे मैंने मन्नत मान ली है। तुम चाहे कुछ भी कहो, मुझे दिवाली होली से भी ज्यादा तुम्हारे पिताजी का जन्मदिन खास लगता है, क्योंकि वो तो मेरा सिंदूर है। हाँ। पिताजी नहीं रहे माँ, रवि, माँ, रवि, रवि, रवि। चिता को अग्नि देनी है, बड़ा बेटा कहाँ है? सॉरी राजा, फॉर योर फादर्स डेथ। ये आपके लिए बड़ा हादसा है। मेरे लिए तो मेरा बाप 20 साल पहले ही मर चुका है। आज तो मैंने सिर्फ उसकी चिता जलाई है। सॉरी, लेकिन हाथ क्यों जलाया? कम ऑन, लेट्स गो टू डॉक्टर। क्या होगा डॉक्टर के पास जाने से? डॉक्टर सिर्फ इंसानों को बाहर के घाव की दवा दे सकते हैं, लेकिन मेरे दिल में जो आग लगी है वो आग मुझे पूरी जिंदगी भर जलाती रहेगी। तुम जा रहे हो ना? हाँ माँ। माँ, तुम डॉक्टर के पास नहीं गई? डॉक्टर की क्या जरूरत है? डॉक्टर की जरूरत आपको नहीं, मुझे है। देखो माँ, ज्यादा काम मत करो, आराम करो, समझा करो माँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम जाके अपने काम पर ध्यान दो, ये लो। ऑफिस पहुँच कर मैं डॉक्टर को भेज दूंगा, वो सब बता देंगे कि तुम्हें क्या है। आप आराम करो माँ, मैं चलता हूँ माँ। भास्कर, कोई टेलीफोन कॉल्स? यस सर, मैंने नोट कर लिया है, ये रही लिस्ट। गुड, कुछ मिस तो नहीं किया? नहीं सर, कोई कॉल मिस नहीं हुआ है। हमारे पास जितने कॉल्स आ रहे हैं हम उन्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं सर। स्मगलिंग के साथ ये लोग फोन पे प्यार भी कर रहे हैं, ऑल रोमांटिक कॉल्स। एनीवे, कीप चेकिंग। यस सर। सर, कॉल फ्रॉम दिस नंबर। सर, सब तैयारी हो गई? हाँ सर। ओके, करेक्ट 10 बजे सन एंड सी होटल के सामने विक्टोरिया बिल्डिंग में अल्ला बुल्ला और बिलिया मिरानी मिलेंगे। ओके सर। ओह, समय बहुत ही कम है, माय गॉड।
सर, माइकल ने बयान दे दिया। वेरी गुड। मुझे राजा और जगदीश के नाम का अरेस्ट वारंट चाहिए। ओके। मिस्टर जगदीश, मेरे पास आपके नाम का वारंट है। यू आर अंडर अरेस्ट। अरेस्ट? यस। क्या बकते हो? आपके खिलाफ मेरे पास सबूत है। हवलदार। यस सर। तुम इन्हें लेकर जाओ, मैं राजा को अरेस्ट करने जा रहा हूँ। ओके सर। बेवकूफ। मिस्टर राजा, यू आर अंडर अरेस्ट। भैया कहने वाला आज नाम से पुकार रहा है। वर्दी पहनने के बाद माँ को माँ बुलाता है या उसका भी नाम लेता है, कहता है सीता। आई से यू आर अंडर अरेस्ट। राजा, कहीं पता नहीं चला अब तक। लुक हियर, स्टेशंस, एयरपोर्ट, सब जगह सर्च करो। राजा शहर से बाहर नहीं जा सकता, यही कहीं छिपा होगा वो। ओके। वेरी गुड। पुलिस का मानना है कि राजा शहर में ही है कहीं। अखबारों में यही छपा है। राजा पुलिस के हाथ नहीं आना चाहिए, वो मेरा शिकार है। खेल उसने शुरू किया लेकिन खत्म मैं करूंगा। वो पुलिस के हाथ ना आ पाए ये अच्छी तरह ध्यान रखना, समझे तुम लोग? What? माँ हॉस्पिटल में एडमिट है? नहीं सर, मुझे माँ से मिलने जाना है। माँ से मिलना मुश्किल है, चारों तरफ पुलिस है। माँ को मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। राजा, राजा, माजी की तबीयत अब कैसी है? वैसी ही है राधा, भगवान हमारे जीवन के साथ खेल रहे हैं। मुझे कुछ नहीं मालूम मैं क्या करूं। माँ को राजा से मिलना है, अब मैं कैसे समझाऊं कुछ पता नहीं। सरकार को भी राजा चाहिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एक बेटा बनूं या फिर इंस्पेक्टर का फर्ज पूरा करूं। मेरे बदन से मेरी माँ का खून और भाई का पसीना बह रहा है। मैं जो कर रहा हूँ सही है या गलत कुछ पता नहीं। मुझे कुछ नहीं मालूम, कर्तव्य पूरा करूँ या माँ की ममता देखूँ। हॉस्पिटल के चारों तरफ पुलिस का पहरा है राजा, आप माँ से इस वक्त नहीं मिल सकते। मैं वहाँ जाऊँगा। पर तुम्हारा वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। मुझे माँ को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं राजा, मैं माँ से मिलने जरूर जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। चलो यहाँ से। चार्ज।
तुम यही रुको, मैं जाके आता हूं। ठीक है। आज मैं तेरे सामने खड़ा हूं, हां तुम्हें देखने। आज खुश तो बहुत होंगे तुम मुझे यहां देखकर, पर इधर देख, आज तक मैं सिर्फ एक बेटा था। और सुन, आज तेरी मंदिर पे पहली बार सीढ़ियां चढ़कर आया हूं मैं, तुझसे कुछ मांगने के लिए। हां, अपनी बीमार मां की जिंदगी की भीख मांगने के लिए आज मैं तेरे सामने खड़ा हूं। जो औरत रोज यहां आकर दिन रात तेरी पूजा में लगी रहती थी, आज वही औरत तेरी वजह से हॉस्पिटल के बिस्तर पे पड़ी हुई जिंदगी और मौत के बीच आखिरी सांसें ले रही है। क्या दिया है तूने आज तक उसे अपनी जिंदगी में? जिस औरत ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तेरी पूजा में निकाल दी, क्या मिला उस औरत को? क्या यही तेरा इंसाफ है? अब जवाब दे मुझे। आज तक जिंदगी में जितने भी बुरे काम किए हैं सब मैंने किए हैं, अगर तुझे सजा देनी है मुझे दे। कौन सा पाप किया उसने? क्या जुर्म है उसका? यही कि वो मेरी मां है? ऐसे क्या देख रहा है मुझे? तू तो सब जानता है ना पूरी दुनिया के बारे में। क्या किया है उसने? क्या कसूर है उसका? क्या उसका जुर्म यह है कि उसने मुझ जैसे बुरे इंसान को जन्म दिया है? मेरे गुनाहों की सजा उसे मत दो भगवान, मेरी मां को बचा लो भगवान, आज उसकी जिंदगी बख्श दो भगवान, भगवान उसकी जिंदगी वापस दे दो भगवान। आज तक तुझसे मैंने कुछ नहीं मांगा भगवान, लेकिन आज मांगता हूं, मेरी मां की जिंदगी बचा ले भगवान। पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, डॉक्टर ने कहा है अब हम घर जा सकते हैं। पहले मंदिर जाएंगे भगवान के दर्शन के लिए। ठीक है माँ। सीता बहन, आपकी तबीयत कैसी है? सब ईश्वर की कृपा है, भगवान के साथ साथ आपके बेटे का भी। आपका बड़ा बेटा राजा कल रात मंदिर में आया था और आपकी लंबी उम्र के लिए दुआएं की। राजा मंदिर आया था? राजा, माँ को होश आ गया है, वो खतरे से बाहर है। सच में? लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। कम ऑन, लेट्स सेलिब्रेट। नहीं राजा। क्यों? अब मैंने शराब पीना छोड़ दिया है। व्हाई? राजा मैं माँ बनने वाली हूँ। What? सच कह रही तुम? I am so happy. राजा, मैं आपसे शादी करने को नहीं कहूंगी, लेकिन मैं उसे जन्म दूंगी और उसे अच्छी तरह से पालूंगी। उसे अच्छी शिक्षा दूंगी, अच्छे संस्कार दूंगी, ताकि समाज में उसे इज्जत मिल सके
और वो सर उठाकर जी सके। अनीता, हम लोग शादी करेंगे आज और इसी वक्त। ओ राजा। अनीता, पता है तुम्हें बचपन में मेरे हाथ पे किसी ने लिखवा दिया था कि मेरा बाप चोर है, लेकिन मैं अपने बच्चे के माथे पर लिखने नहीं दूंगा कि उसका बाप चोर था। आज यह खबर सुनकर मेरी माँ बहुत खुश होगी। मैं अपनी माँ को यह खबर अभी सुनाता हूँ। राजा, मेरी माँ शादी के जिस जोड़े में मुझे देखना चाहती थी, मैं वही जोड़ा पहनकर ही तुमसे शादी करूंगी। तुम इंतजार करो, मैं तैयार होकर आती हूँ, ठीक है? कौन बोल रहा है? माँ। राजा। माँ। कैसी हो माँ? माँ, मैं मंदिर आ रहा हूँ माँ, तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए माँ, उसके बाद जो तुम कहोगे वही होगा माँ। तुम आओगी ना माँ? आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी। माँ, माँ। हाँ बेटा। कहाँ है? कौन? राजा। मुझे नहीं पता। तू झूठ बोल रही है। मैं नहीं जानती। सच बता दे। मुझे छोड़ दो। सही सही बता दे तो तुझे छोड़ दूंगा। मुझे नहीं पता। बोल। मुझे नहीं पता। सही सही बता दे। मैंने कहा। कहाँ है राजा? नहीं पता। बोल, तू सच बता दे। उसके बारे में कुछ नहीं पता। तू मुझे सच नहीं बताएगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। सर जल्दी चलिए। क्या टाइम हुआ है अभी? 12 बजे है। तुम सब लोग निकल जाओ। मोटर बोट का इंतजाम हो गया है सर, बोट थोड़ी देर में यहां से निकलेगी, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी बहुत दूर निकल आया हूं, अब मुझे यहां से वापस जाना है। अनीता, 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 ये सब क्या हुआ? कैसे हुआ? राजा, मेरी माँ ने सपना देखा था कि मैं दुल्हन बनूं। मेरी माँ के सपने को पूरा कर दो, पूरा कर दो। नहीं अनीता, कौन थे वो लोग जिसने तुम्हारा ये हाल किया? बोलो अनीता, तुम मुझे सिर्फ उन लोगों के नाम बता दो। बोलो अनीता। नहीं राजा। प्लीज बोलो अनीता। वो लोग आपके बारे में पूछ रहे थे, मैंने नहीं बताया,
नहीं बताया। नहीं अनीता, अनीता मदन कहाँ है? पता नहीं। मुझे सिर्फ मदन चाहिए। कहाँ मिलेगा मदन? टेरेस चैंबर, टॉप फ्लोर। राजा के सिर पे खून सवार है? आप परेशान मत होइए सर। ओ आई सी, तब तो राजा मदन को मारने की कोशिश जरूर करेगा सर। उस जगह को चारों तरफ से घेर लेते हैं। यस सर, आई प्रॉमिस यू सर, आज राजा को जरूर अरेस्ट करूंगा। डेफिनेटली सर। माँ, आज मेरा इम्तिहान है, अपना आशीर्वाद दो माँ। दुश्मन को मारते समय तुम्हारा हाथ ना कांपे, भगवान तुम्हारा साथ दे। मंदिर जा रही है माँ? हाँ बेटी, पुलिस ऑफिसर की माँ के नाते इसे आशीर्वाद दिया और उसके लिए प्रार्थना करने। जीत किसी की भी हो, इसकी हो या उसकी हो, रोना तो मुझे ही है ना। कौन है छत से गिर गया? देखो ये मर गया। अरे इसको उठाओ। चलो चलो हटो हटो, तुम लोग यहाँ से हटो, सांप को देखने दो। चलो हटो, चलो चलो। मिस्टर वर्मा, बॉडी पोस्टमार्टम को भेज दीजिए और आप अंदर नजर रखिए, मैं उधर जाके देखता हूँ। ओके? यस सर। Thank you.
भैया मैं कहता हूँ रुक जाओ। भैया रुको। तुम बच नहीं सकते भैया, सरेंडर हो जाओ। मुझे जाने दे छोटे, मैंने किसी से वादा किया है, वापस आके मैं सरेंडर कर दूंगा। मैं चोर का विश्वास नहीं करता। भैया रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। भैया दुश्मन को मारते समय तुम्हारा हाथ ना कांपे, भगवान तुम्हारा साथ दे। माँ मैं मंदिर आ रहा हूँ, माँ तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए माँ, उसके बाद जो तुम कहोगे वही होगा माँ, तुम आओगे ना माँ? हाँ बेटा मैं जरूर आऊंगी। Thank you.
राजा, 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 क्या हो गया मेरे बेटे? ये सब क्या हो गया? माँ, देख मैं आ गया हूँ माँ, मैंने अपने वादा पूरा किया माँ। माँ मैं बहुत थक गया हूँ माँ। माँ मुझे बहुत नींद आ रही है माँ। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं बेटे? माँ मैं तुझसे दूर रहकर कभी नहीं सो पाया माँ। माँ मैं जानता हूँ तू मुझसे बहुत नाराज है माँ। याद है माँ फुटपाथ पे तू मुझे अपनी बाहों में सुलाती थी माँ। मुझे सुला दे माँ। ऐसी बातें क्यों कर रहा है बेटा? आज माँ, आज फिर तेरी बाहों में आया हूँ माँ। मुझे नींद आई है माँ। मुझे सुला दे माँ। राजा, मैं माफ नहीं करूंगी तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। मैंने तुझे कभी गलत समझा ही नहीं, तो माफी कैसे? अम्मा, क्या है बेटा? माँ मुझे नींद आई माँ। हाँ बेटा। माँ मुझे नींद आई माँ। माँ मुझे नींद आई माँ। माँ। राजा, राजा, राजा। राजा।